तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी सीजनेट के लिए सभी 12 टीमों के कप्तान के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्रो कबड्डी का 8वां सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से, जिसके लिए अभी एक महीना भी नहीं बचा और सभी टीमों ने अपने जो कप्तान है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ, तो आप कीजिए वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पटना पायरेट्स की टीम कप्तान की। तो पटना पायरेट्स के कप्तान होंगे सचिन तन्वर, जो कि एक बहुत ही शानदार पटना की टीम में शामिल हुआ है। पिछले सीजन में गुजरात के लिए खेले थे और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार पटना के लिए खेलते हुए पटना की कप्तानी भी करेंगे। और अब हम बात करते हैं यूपी योद्धा की टीम कप्तान, तो यूपी योद्धा के कप्तान होंगे नितेश कुमार। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि प्रदीप नरवाल कप्तान क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपी योद्धा की मैनेजमेंट है वो चाहती है कि प्रदीप नरवाल अपना खुलकर गेम खेले और कप्तानी के प्रेशर में आके अपना गेम खराब ना करे, इसलिए यूपी योद्धा की टीम ने नितेश कुमार को टीम कैप्टन बनाया है। और अब हम बात करते हैं तेलुगु टाइटन्स की टीम कप्तान की। तेलुगु टाइटन्स के कप्तान होंगे रोहित कुमार भी बहुत अच्छे कप्तान हैं, उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है, वह बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और अब हम बात करते हैं गुजरात की कैप्टन, तो गुजरात के कैप्टन होंगे रविंदर पहल, जो कि एक बहुत अच्छे और अग्रेसिव डिफेंडर हैं, इस बार वह हमें गुजरात की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और जो अगली टीम है वह हरियाणा स्टीलर्स, जिसके कप्तान होंगे विकास कंदोला, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेडर, पिछले साल भी हरियाणा के कप्तान थे, उनके कप्तानी में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और बात करें अगली टीम की, तो वो होगी मुंबई कप्तान होंगे फजल अतराचली, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर है और फजल एक बहुत एक्सपीरियंस कप्तान भी है। और अब हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की टीम की, तो उनके कप्तान होंगे पवन कुमार शरावत, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेडर है, पिछले कई सीजन से बेंगलुरु के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और बात करें जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम कप्तान, तो उनके कप्तान होंगे दीपक निवास हुड्डा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर और साथ ही बहुत एक्सपीरियंस कप्तान भी है, वह कई सीजनों में टीमों की कप्तानी कर चुके बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन भी करते हैं कप्तानी में। और बात करते हैं पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल बुरेस के बारे में, जिसके कप्तान होंगे इस बार भी मनिंदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, मनिंदर सिंह ने पिछली बार अपनी कप्तानी में बंगाल को चैंपियन बनाया था, तो बंगाल उन्हें कप्तानी से नहीं हटाना चाहेगा और इस बार भी बंगाल के कप्तान होंगे मनिंदर सिंह। और अब हम बात करते हैं पुनारी पट्टन की, जिनके नए कप्तान होंगे राहुल चौधरी, जो कि एक बहुत ही शानदार रेडर, प्रो कबड्डी के सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल रेडर है और बहुत अच्छे कप्तान भी है। और दोस्तों, बाजी मिथिला आवास की टीम, जिनके नए कप्तान होंगे सुरजीत सिंह, जो कि एक बहुत अच्छे कवर डिफेंडर हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है, पिछले साल वह पुनारी के लिए खेले तो अच्छे कप्तानी भी की थी टीम की, इस बार वह कप्तान होंगे मिथिला आवास के। और दोस्तों, बात करें आखिरी टीम की, तो वो है पिछले साल की फाइनलिस्ट दबंग दिल्ली, जिनके कप्तान होंगे इस बार भी जोगिंदर नरवाल, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन कप्तान, पिछले साल दिल्ली को फाइनल में पहुंचवाया था, टीम का शानदार प्रदर्शन रहा था। तो दोस्तों, ये थे सभी 12 टीमों के कप्तान प्रो कबड्डी सीजनेट के लिए। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।